किसी भी जमीनी जंग में टैंक सेना का सबसे अहम हथियार होता है। सेना की आर्टिलरी और तोपखाना डिवीजन जो सेना को पीछे से सपोर्ट करती है, लेकिन मेन बैटल में टैंक ही सबसे आगे चलता है और दुश्मन को तबाह करता है। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जो कि चीन और पाकिस्तान इन दोनों देशों से लगी भारत की सीमा की सुरक्षा भी करती है। जैसा कि सभी को मालूम ही है, इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं और इन दोनों देशों की भारत की सीमा को लेकर सोच कैसी रही है। ऐसे में सेना के इस मुख्य हथियार यानी मेन बैटल टैंक को लेकर सरकार ने भी बड़े कदम उठाए हैं। एक ओर सरकार ने 2021 में 118 अर्जुन MK-1A टैंक के ऑर्डर दिए हैं, वहीं चीन की सीमा पर लाइट वेट टैंकों की खरीदारी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं देश के पहले स्वदेशी मेन बैटल टैंक अर्जुन की। साल 1972 में अर्जुन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अभी तक इसके पुराने वर्जन के 100 टैंक सेना के पास है, जिसकी क्वालिटी को लेकर भी सेना की ओर से कई बार सवाल उठाए गए हैं। वहीं इसके नए इम्प्रूव्ड वर्जन यानी MK-1A में क्या खास है और इस टैंक के सेना में आने के बाद कितनी मजबूती मिलेगी, ये जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्ते, मैं हूँ अंकित और आप हैं मंच पर। इंडियन आर्मी के पास मेन बैटल टैंक के तौर पर आज़ादी के बाद से ही रूसी टैंक रहे हैं। आज भी इंडियन आर्मी रूस में बने T-72 और T-90 भीष्मा टैंक का ही यूज़ सबसे ज़्यादा करती है। सेना के पास मौजूदा वक्त में 4300 से के करीब टैंक हैं। बीते कुछ समय से सेना ने अपने तोपखाने को मजबूत किया है, उसे कई नई तोपें मिली हैं। लेकिन टैंकों की बात करें तो भारतीय सेना स्वदेशी मेन बैटल टैंकों को लेकर काफ़ी समय से परेशान रही है, खास तौर से अर्जुन प्रोग्राम की बेहद धीमी गति और टैंकों की क्वालिटी को लेकर के। 1996 में अर्जुन टैंक की फर्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन तमिलनाडु में शुरू हुआ था, जिसके बाद 2004 में इसे सेना में शामिल किया गया। जब ये टैंक तैयार हुआ तो यह विश्व के कुछ सबसे भारी टैंकों में से एक था। इसका वजन 68 टन है। इसे दिन हो या रात किसी भी वक्त लड़ाई के करने में सक्षम बनाया गया है। इसमें 120 mm की राइफल गन लगाई गई है, जो कि प्रति मिनट 6 से 8 राउंड फायर करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 12.7 mm की एक एंटी एयरक्राफ्ट गन और 7.62 mm की एंटी पर्सनल गन भी लगाई गई है। 2007 में राजस्थान में सेना ने अश्वमेघ एक्सरसाइज की थी, जिसमें अर्जुन टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद सेना की ओर से इस MBT में कई तरीके की परेशानियां भी बताई गई थी, जिसमें मुख्य तौर पर टैंकों का वजन ज़्यादा होना, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, ज़्यादा गर्मी में ऑपरेट करने की दिक्कत, टैंक की कम स्पीड, मेन गन के फायर सिस्टम की कमियां, इंजन फेल्योर जैसी कई कमियों का जिक्र सेना की ओर से किया गया था। जिसके बाद DRDO और कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 2 साल के वक्त में एक नया अपग्रेडेड वर्जन तैयार किया, जिसे अर्जुन MK-1A नाम दिया गया। यह टैंक की थर्ड जनरेशन थी, जिसमें 72 तरह के अपग्रेडेशन और नए फीचर्स का यूज़ किया गया था। साथ ही नए वर्जन में 54.3% स्वदेशी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। नए वर्जन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल सिस्टम, बेहतर टारगेट प्रिसीजन के लिए लेज़र रेंज फाइंडर और थर्मल रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया, इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक कंप्यूटर और जर्मनी में बने नए V-90 टर्बोचार्ज डीजल इंजन को लगाया गया, ऑपरेटिंग क्रू के लिए मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम, कंपोजिट मॉड्यूलर आर्मर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एडवांस लेज़र वार्निंग काउंटर मीजर सिस्टम और स्मोक ग्रेनेड की संख्या भी इस टैंक में बढ़ाई गई। लेकिन इन सभी नए अपग्रेडेशन के बाद भी MBT अर्जुन के सेना में इस्तेमाल होने का एक दायरा है। यह टैंक भारी है, ऐसे में इसे ऊंचाई वाली जगहों में ले जाने में दिक्कत है, खास तौर से चीन की सीमा से लगे इलाकों में इसकी तैनाती में लॉजिस्टिक्स की दिक्कत है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर पाकिस्तान से लगी सीमा पर पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात में किया जा सकता है, जबकि चीन की सीमा पर तैनाती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाइट टैंकों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसका वजन 40 टन से कम होगा और इन्हें ऊंचाई वाली जगहों पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अर्जुन टैंक के नए वर्जन की खरीद के लिए 7523 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। 2023 के आखिरी हिस्से में इन टैंकों की सेना को डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगा और उसके एक साल बाद से हर साल 30 टैंक्स सेना को मिलेंगे,
डिफेंस से जुड़ी हमारी और भी स्टोरीज देखने के लिए मंच को लाइक करें और हमारी खास सीरीज शौर्य को देखते रहें।